ये समय के मामले, इट्स अ नीड ऑफ द टाइम एक्चुअली। यूथ के सामने, युवाओं के सामने एक ठीक तरह से एक लक्ष्य रखने लायक एक पॉलिसी की जरूरत है राजस्थान राज्य में, एक स्पेसिफिकली क्लियरली डिफाइंड यूथ पॉलिसी, सही ढंग से परिभाषित एक युवा नीति। आजकल वो नहीं है, और वो युवा नीति भी हमेशा के लिए रखने के जगह पर 5 साल के लिए, क्योंकि टाइम इज चेंजिंग, काल बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमको रीपोजिशनिंग भी करना चाहिए। उस दृष्टि पर एक अच्छा युवा नीति का जो मांग उठाने वाला इस कॉन्क्लेव, एक यूथ युवा कार्यक्रम बहुत समय का की आवश्यकता भी है। उस दृष्टि पर काम करने के लिए इतने बड़े तादाद में, बहुत अच्छी संख्या में युवाओं की उपस्थिति भी उधर हुई, पूरे राजस्थान राज्य से सेलेक्टेड बच्चे, सेलेक्टेड युवा आए हैं। सभी युवाओं के बड़ा कॉन्फ्रेंस नहीं है, सभी जिलाओं से सेलेक्ट करते हुए युवा नेताओं के कार्यक्रम है। मुझे लगता है इसमें से जो निकलने वाला जो अमृत, इस मंथन से, ये युवा मंथन से निकलने वाला अमृत सही ढंग से राजस्थान राज्य के और स्वाभाविक रूप में पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छा एक पथ प्रदर्शक हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये आयोजन है भारत आगामी वर्षों में कैसा हो, 2047 का भारत, 2050 का भारत कैसा हो, विश्व स्तर पर भारत की जो ख्याति आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भर भारत और स्वाभिमानी भारत की बन रही है, उसमें ये एक नींव है। आज का जो युवा वर्ग इस कॉन्क्लेव में जो प्रतिभागी है, वह आने वाले समय में नेतृत्वकर्ता होगा और समाज का नेतृत्व हम गवाह हैं। इतिहास के बारे में जब जब भी आकलन करते हैं, जयप्रकाश नारायण की क्रांति में सबसे अधिक युवाओं की भूमिका थी, तो स्वाधीनता के आंदोलन में युवाओं की भूमिका थी, और युवा जब अपना संकल्प और शक्ति जुटाकर खड़े होते हैं तो राष्ट्र बदलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो पहचान बन रही है और आगे बनेगी, वह निश्चित रूप से विश्वगुरु भारत की कल्पना को साकार रूप देगी। आज झुंझुनू जिले में डोंडल पब्लिक स्कूल डोंडल में 3 दिवसीय युवा कार्यक्रम का, युवा शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये 3 दिन चलेगा। इस 3 दिन में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी युवा पॉलिसी कैसी हो, यहाँ के युवा क्या चाहते हैं। 3 दिन में चर्चा करके विभिन्न व्यक्तित्व हैं, जो बौद्धिक व्यक्तित्व हैं, उनके संबोधन होंगे, युवा चर्चा करेंगे और इसका जो भी डिसीजन में जो परिणाम निकलेगा उसको लिपिबद्ध करके और स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम विवेकानंद जी को याद करते हैं और देखते हैं कि राज झुंझुनू में उनको विवेकानंद जी का नाम मिला था, उनकी वेशभूषा यहीं से डिसाइड की थी, और आज बड़ा सौभाग्य डोंडल पब्लिक स्कूल का, झुंझुनू का बड़ा सौभाग्य है कि ये युवा कार्यक्रम, युवा समागम कार्यक्रम यहीं से हो रहा है। ये पूरे झुंझुनू के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि निश्चित रूप से युवा पॉलिसी में हमारे राजस्थान के, स्पेशली झुंझुनू के युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। देखिए परमवीर पीरू सिंह मेले की चर्चा करी, तो ये क्या करवा रहे हैं या कहते हैं कि होना चाहिए? ये मेरा जो हमारी जो अभी 3 दिन इसमें जो प्रोग्राम चलेगा, इसमें विषय ये भी होगा कि पीरू सिंह जी के नाम से एक मेला हो और उसका हम ड्राफ्ट बना के और स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, और हमारे लोकल लेवल पे भी हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे कार्य रूप में किया जाए। मैं समझता हूँ कि पीरू सिंह जी के नाम से अगर एक मेले का आयोजन होगा और एक धार्मिक स्थल, जो देश सेवा के लिए जिसको आपने बोलेंगे उस लेवल के लिए अगर हमारा एक स्थल यहाँ विकसित होता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों को रोजगार भी, आर्थिक संपन्नता भी आएगी और बच्चों में देशभक्ति के प्रति देश भावना भी जागृत होगी। तो इसके बारे में भी हमारी पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर एक ड्राफ्ट बना के भेज रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें काम करेंगे, तो टाइम में और डिसाइड करेंगे कि जगह कौन सी होगी, टाइम कौन सा, और जो भी जगह होगी एक परमानेंट जगह होगी। और मैं चाहूँगा कि इसके माध्यम से एक सारे विश्व में देश के सैनिक इसके साथ जुड़ेंगे, और इसको जैसे हम कैलाश मानसरोवर की जो एक धार्मिक यात्रा होती है, उसी प्रकार से इसको एक यात्रा जो धर्म से भी जुड़ेगी, और ये पूरा एक साल भर चलता रहेगा जहां लोग आएंगे। और मैं तो ये समझता हूं कि जात जरूले भी वहीं उतारे जाएं, वहां पे छोटे छोटे फंक्शन करते जाएं, युवा यूथ पॉलिसी भी वहीं पे हो, वहां
चूरमा और खीर का भोग भी लगाया जाए, यानी पूरा एक ऐसा वातावरण डेवलप किया जाएगा कि जिससे हमारे को इस क्षेत्र को रोजगार भी मिले और यहाँ के बच्चों में देश के प्रति जो भावना है वो भी प्रेरित हो, देश राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़े। एक यहाँ पर राम के जीवन काल की प्रदर्शनी लगाई गई है, वाजपेयी जी की प्रदर्शनी लगाई गई है, जलियांवाला बाग लगाया गया है, अटल जी को कुछ समर्पित है, क्या थीम क्या है ये? इसमें यह है कि हमने जो स्टार्टिंग से लेकर इस देश के लिए, हमारे देश के लिए किन लोगों ने एक बलिदान इस देश को स्वतंत्र करने में दिया है, अटल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आपने देखा होगा, अटल जी का भी देखा होगा, यानी जितने भी महान व्यक्तित्व यहाँ हुए उनको सभी को ये तीन दिन का युद्ध कार्यक्रम, इसमें विवेकानंद जी को भी आपने देखा होगा, यानी जितने भी युवा है, सुभाष चंद्र बोस को भी आपने देखा है, आपने भगत सिंह को भी जी को भी इसमें आपने इस प्रदर्शनी में देख रहे हो, यानी हर जो देश भक्त या जो डिग्निटीज है उनको हम बच्चों के सामने लाए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और हम चाहते हैं कि उनसे भी ये हमारे बच्चे सीखें, इनका प्रदर्शनी का ये कारण। जलियांवाला बाग स्थापित किया है, कितना टाइम लगा, क्यों किया? ये जलियांवाला बाग है कि हमने क्या क्या स्वतंत्रता के लिए क्या क्या हमने बलिदान दिया है, ये उसका एक संघर्ष का एक प्रतिरूप हमने यहाँ रखा है, उस बनाने में हमारे को तीन दिन, इसमें हमारे बच्चों को और स्टाफ को तीन दिन लगा कि बच्चे सीखें कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पहले जो संघर्ष किया था देश को स्वतंत्र करवाने, उन लोगों ने कितना बलिदान दिया, क्या कैसे गोलियां खाई है, तो ये निश्चित रूप से हमारे को इन बच्चों को आगे मोटिवेट करने में, युवाओं को और आगे बढ़ने में ये प्रेरणा देगा।